मॉडल हम कर चुके हैं, बहुत सारे वाक्य हमने किए इसके। आज एक बार रिवीजन के तौर पर कब प्रयोग किया जाता है उनके देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप याद रहे कब प्रयोग किया जाता है। वाक्य नहीं, मैं बता रहा हूँ कि किसका प्रयोग कब कब करना है। जैसे कैन है, कैन का प्रयोग एबल, अंग्रेजी में बता रहा हूँ, हिंदी में भूल सा रहूँगा, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ, जनरल पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन। तो रही बात कैन की, कैन का प्रयोग कहाँ पर, एक तो एबल एबिलिटी यानी योग्य योग्यता के साथ, कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्षमता के साथ, पावर शक्ति के साथ, स्ट्रेंथ ताकत के साथ, इन सब का साथ कौन से काल में करते हैं, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग करते हैं। जनरल पॉसिबिलिटी सामान्य संभावना या इनफॉर्मल परमिशन है, उसके साथ भी किसका प्रयोग करना है, कैन मॉडल का प्रयोग करना है। तो आपको याद रखना है ये नाम, एबल एबिलिटी कैपेसिटी कैपेबिलिटी पावर स्ट्रेंथ जनरल पॉसिबिलिटी इनफॉर्मल परमिशन, इसके साथ कैन मॉडल का प्रयोग अपने को करना है। तो याद रखना है कैन का। आगे चलें, मस्ट का प्रयोग, MUST। मस्ट मॉडल का प्रयोग कब कब होता है ये ध्यान रखना है कि मस्ट का प्रयोग कब कब किया जाता है। जैसे ओबलाइजेशन है, ओबलाइज्ड है, बाध्यता जिसे हम कहते हैं, ओबलाइज्ड जिसे हम बाध्यता बोलते हैं, नेसेसरी है, कंपल्सरी है, श्योर है, सर्टेन है, पहले लिखा रखा हूँ मेले में, दोबारा एक बार रिवीजन में कर रहे हैं, कंपील्ड है, दबाव बनाना, कंपील्ड है, ड्यूटी है, श्योर है, सर्टेन है, प्रॉमिस इसमें नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइज है, इनके साथ कौन सा मॉडल लगाना है, मस्ट मॉडल का प्रयोग करना है। ओब्लाइज्ड है, ओब्लाइजेटरी है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है, श्योर है, सर्टेन है, कंपील्ड है, कंपील्ड में दबाव दबाव बनाना, ड्यूटी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइज है, इनके साथ कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, मस्ट मॉडल का प्रयोग करना है। तो कैन का और मस्ट का देखा हमने, आपको ध्यान रखना है कब कैन का प्रयोग करते हैं, कब मस्ट का प्रयोग करते हैं, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। आगे चलें, महत्वपूर्ण एक और है मे, ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है मे का प्रयोग, परमिशन लेने और देने दोनों में ही ले सकते हैं, पॉसिबल संभावना के साथ, पॉसिबिलिटी संभावना ही हो गया, ठीक है ना, लाइकली संभावना में, परमिशन में, अनुमति देना परमिटेड, अनुमति देने में अलाउड, मतलब एक ही बात है अनुमति है, गेस यानी कोई अनुमान लगाना मे का प्रयोग करेंगे, विश इच्छा है मे का प्रयोग करेंगे, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी तथ्य आधारित संभावना है किसका प्रयोग करना है मे का। तो मे का प्रयोग कब कब हो जाएगा, परमिशन के साथ, पॉसिबल के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ, लाइकली परमिटेड अलाउड गैस विस फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, इनको मैंने हिंदी में पहले लिखवा चुका हूँ, एक बार मैं एक साथ बताने की बात कर रहा हूँ कि एक बार आपको अच्छी तरह से ध्यान रहे कि
भूल ना जाएं कि इनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। कि कैन आए तो एबल, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, जनरल पॉसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन। मस्ट आए, ओब्लाइज आ गया, ओब्लाइजेटरी आ गया, नेसेसरी आ गया, कंपलसरी आ गया, श्योर आ गया, सर्टेन आ गया, कंपिल्ड आ गया, ड्यूटी आ गया, स्ट्रॉन्ग एडवाइज आ गया, मे आए, परमिशन आ गया, पॉसिबल आ गया, पॉसिबिलिटी आ गया, लाइकली आ गया, परमिटेड आ गया, अलाउड आ गया, यस आ गया, विश आ गया और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी आ गया। इनके साथ किसका प्रयोग करना है? मे का। आगे चले तो अधिकांश पूछे जाते हैं उनको ज्यादा देख रहे हैं हम, शुड का प्रयोग। मॉडल शुड, चौथा मॉडल शुड लिया है हमने। शुड का प्रयोग कब किया जाता है? एडवाइस है, यानी सलाह, सजेशन, सुझाव, एडवाइज है, सजेशन है, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी आ गया, ड्यूटी आ गया, एडवाइस, सजेशन, मोरल ड्यूटी आ जाए, ड्यूटी आ जाए, मोरल ऑब्लिगेशन आ जाए, नैतिक बाध्यता, मोरल ऑब्लिगेशन आ जाए, सजेशन आ जाए, सुझाव जिसे हम कहते हैं, इनके साथ कौन सा मॉडल लगाना है? शुड मॉडल का प्रयोग। कोई कठिन बात नहीं है शुड मॉडल में, आपको लग रहा हो कठिन है तो बता सकते हैं। आगे चले माइट, माइट मॉडल का प्रयोग, रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना, डिफिडेंट, परमिशन, डिफिडेंट परमिशन के साथ, रिमोट पॉसिबिलिटी के साथ कौन सा मॉडल लगाना है? माइट मॉडल का प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया वुड, वुड मॉडल का प्रयोग कब करना है? तो शुड का एडवाइस, सजेशन, मोरल ड्यूटी, ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन के साथ, माइट का रिमोट पॉसिबिलिटी, डिफिडेंट परमिशन के साथ अधिकांशतः पूछा जाता है। वुड का प्रयोग देखें, WOULD, वुड का रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर, प्रपोजल, प्लीज काइंडली, आए तो, और पास्ट की कोई हैबिट हो, भूतकाल की आदत कोई भी हो, पास्ट हैबिट्स, इसके साथ भी कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है? वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो वुड में ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट आ गया, पोलाइट रिक्वेस्ट आ गया, ऑफर आ गया, प्रपोजल आ गया, प्लीज काइंडली आ गया, पास्ट हैबिट आ गया, इसके साथ कौन सा मॉडल लगाना है? वुड मॉडल का प्रयोग अपने को करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से मॉडल में किसके साथ क्या लगा रहे हैं, ये आपको अगर याद होता है तो आप आसानी से मॉडल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर इनकी आपको जानकारी नहीं है, वाक्य पढ़ने से इनको अगर पहचान नहीं सकते हो कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है या प्रपोजल है या डिफिडेंट परमिशन है या रिमोट पॉसिबिलिटी है या एडवाइस आया, सजेशन आया, तो उसके अलावा आप उस वाक्य को नहीं बना सकते हो, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। एक और मॉडल आता है शुड के साथ, कोर टू, शुड के साथ ही आता है ये भी, ठीक है ना। मोरल ड्यूटी के साथ शुड नहीं, ऑप्शन में ये हो तो पहले ये लगाना है। मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन और डिडक्शन, यानी निर्देश कोई भी हो, निर्देश के साथ किसका प्रयोग करना है? ओ टू का प्रयोग अपने को करना है। तो ओ टू भी सरल है, मोरल ड्यूटी, मोरल, इसमें भी है वैसे, देखो इसमें भी है, लेकिन पहले प्राथमिकता इसको है, अगर ये नहीं है तो शुड का प्रयोग अपने को करना है। तो इस प्रकार अपने मॉडल के एक बार दोबारा देख लिया, ताकि आप अच्छी से तरह से इनको कॉपी में देख कर, हिंदी में भी लिखाया हुआ है पहले, उनको भी याद कर सकते हो, और उससे वाक्यों को आप कैसे पढ़ना है वो मैंने पहले वाले वीडियो में सब में बता दिया, किस तरह वाक्य को पढ़ना है, पहचान करनी है, फिर मॉडल का प्रयोग अपने को उस वाक्य के अंदर करना है।
ऑप्शन जैसे दिया होगा, कुछ मॉडल में शुड है और कुछ साथ में चलेंगे मस्ट है शुड है, दोनों में भी कोई भी आ सकता है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आंसर को अपने को देना है।